नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्जनिस। मैं सुहानी चंद्राकर। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के राजनांदगांव की सभा में पीएम मोदी को लेकर दिया गया एक विवादित बयान सोशल मीडिया की सुर्खियों बटोरता रहा। आपको बता दें कि उस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ अन्य नेता व कार्यकर्ताओं के भी विरोध किया गया और डॉक्टर चरणदास महंत के निवास का घेराव किया। मोदी के मुड़ी फुरैया, ऐसा सांसद उनको चाहिए। मोदी के मुड़ी फुरैया, नरेंद्र मोदी मुड़ी फुरैया, ऐसा वो बोल रहे हैं अपने बयान में। वह भी राजनांदगांव के स्टेट हाई स्कूल के ग्राउंड में 2 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं के बीच भाषण देते हुए ऐसा कह रहे हैं, उकसा रहे हैं उनको। और अब उसके पीछे ये कह रहे हैं वो कि ये छत्तीसगढ़ी एक कहावत है। तो भैया, छत्तीसगढ़ी कहावत का है कि डंडा धर के खड़े है। तो डंडा धर के खड़े है तेखर का मतलब होते वो टकराए बर, वो प्रतिस्पर्धा बर तैयार खड़े। मोदी के मूड़ी फुरैया ये कोई कहावत नो है भाई, ये बिल्कुल गलत बात है। और एक से हम उखर उत्तर दे लाए हैं, हम बिल्कुल सशक्त ढंग से उखर उत्तर देना चाहती, परंतु हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप करना चाहती। हम मोदी के परिवार आन हमला लाठी मार लो भाई, ऐसे कह के हम आए हैं। 2 तारीख को राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में एक कार्यक्रम में चरणदास महंत जी ने कहा कि मोदी के मुड़ी फुरैया सांसद चाहिए। वो वहाँ से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं, वो मंच पर खड़े बैठे बैठे हंस रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनता कैसे वोट देगी? अब देखते हैं ना भाई, जो मोदी जी का सिर फोड़ना चाहते हैं वहाँ जा करके, वो जनता से किस मुंह से वोट मांगेंगे और जनता उनको कैसे वोट देती। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री का विरोध तो वैसे ही हो रहा है, उनकी पार्टी के ही लोग उनका मुखर विरोध कर रहे हैं, तो इस बयान का क्या औचित्य रह जाता है? मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए। जो स्वयं विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, मर्यादाओं की पाठ जिन्होंने सबको पढ़ाई है, आज अगर वह भी आचार संहिता के समय में इस तरह की बात करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा? और मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ उन्होंने कहा, जनता भली भांति समझ रही है। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता, साथ ही साथ उन्होंने उल्लेख किया देवेंद्र यादव का, देवेंद्र यादव बिलासपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता, ये दोनों जनता कैसे, जो मोदी जी का सर फोड़ने वाले हैं उनको वो जनता वोट देगी? वो मोदी जी का सर फोड़ने वाला सांसद चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ में? इस विषय को जनता उनका उनको जवाब देने वाली। अगर कोई एप्लीकेशन करेगा तो उस पर विचार होगा, थाने में विचार होगा, वो यहाँ का नहीं है। वो एप्लीकेशन दिया जाएगा तो थाने में विचार होगा, ये अलग मामला है। हम आज तो इनको लाठी खाने आए हैं भाई, हम ये कहने आए हैं कि भैया हमको लाठी मार लो, हम मोदी जी के परिवार वाले, आप मार लो लाठी। हम राजनीति करने वाले, उनको गोली मारने के लिए, उनको काटने के लिए, आज उनको सिर फोड़ने के लिए, ऐसी विभिन्न चीज़ें सामने आई, ये गलत है। और मैं आज यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता के नाते आया हूँ भाई, गृहमंत्री वगैरह एक अलग बात है, मूलतः तो मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ ना, तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इनसे, मैं मोदी का परिवार हूँ, मैं उनके पास आया हूँ कि भाई आप मुझे लाठी मार लो, चलो अगर आपको मोदी जी को सिर फोड़ लो, मेरा आप मोदी जी का सिर फोड़ना चाहते हैं, मैं उनका परिवार का हूँ, मेरा सिर फोड़ लीजिए, चलिए।